और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी बलबीर जी जुड़ चुके हैं। बलबीर जी, सावन का महीना चल रहा है, आज सावन मास की शिवरात्रि है, तो कितना शुभ ये दिन है, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए शर्मा, यहाँ सावन की शिवरात्रि का स्वागत, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये दिन सावन मास में सावणियों के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है, और इस दिन भोलेनाथ का विशेष अभिषेक करने से सुख शक्ति की कामनाएं पूर्ति होती है, और इसके अलावा भोले शंकर का जलाभिषेक करने के साथ ही तमाम कांवड़िये विशेष अनुष्ठान भी कर रहे हैं। कानपुर और बनारस सहित कई जगहों पर शिवालयों में हर हर बम बम के झूल के साथ में महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर के भारी उत्साह देखा जा रहा है। कांवड़िये जलाभिषेक करने के साथ ही अपनी मनोकामनाएं पूर्ति के लिए तमाम अनुष्ठान कर रहे हैं। जी बिल्कुल बलबीर जी, सावन का महीना है, हर दिन, फिर चाहे वो शिवरात्रि हो, सोमवार हो, या हर एक दिन भगवान शिव के लिए बहुत, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छा है। बलबीर जी, पूछना चाहूंगी कि कानपुर में भी कई सारे भगवान शिव के मंदिर हैं, तो काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं कानपुर के मंदिरों में? गरिमा, जैसा कि पूरे सावन मास में शिवालयों में जबरदस्त भीड़ हो रही है, भक्तों का लगातार तांता लगा हुआ है। आनंदेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर, तमाम जो कानपुर के शिवालय हैं वहां पर भारी संख्या में भक्तगण पहुंच रहे हैं, लिहाजा सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने पहले से ही वहां चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। जैसा कि सावन शिवरात्रि पर आज ज्यादा भीड़ उमड़ने की बात सामने आई है, उसको लेकर के भी पुलिस और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, और कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए, भक्तों की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं मुस्तैद की गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका बलबीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर का अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे हैं। सावन शिवरात्रि है आज, और भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा दिन है। मंदिरों में भक्तों काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, और कांवड़ियों के लिए ये सबसे शुभ दिन माना जाता है। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के बुंदेलखंड में मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं, और ताज़ा मामला बुंदेलखंड के बांदा से सामने आया है, जहां 8 साल की मासूम बच्ची को उस समय पड़ोसी चुनुबाद से अगवा कर लिया जब वो स्कूल जा रही थी, और तभी आरोपी चुनुबाद के नदी के किनारे ले गए और वहाँ उसके साथ बलात्कार कर उसे वहीं छोड़कर भाग निकले। परिजनों की खोजबीन के बाद बच्ची के नदी किनारे मिली, और परिजन बच्ची को लेकर पुलिस के पास जाकर वारदात की जानकारी दी, जिस पर पुलिस ने आरोपी के घर दबिश दी और शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रहती थी जो कल के नदी के पास में पाई गई, और उसके साथ कोई था नहीं, तो एक राहगीर ने चलते हुए वहाँ से सूचना दी थी कि ऐसी ऐसी बच्ची पाई गई है, और थोड़ा स्थिति उसकी ऐसी है कि ऐसा लग रहा है उसके साथ दुष्कर्म हुआ प्रतीत होता है। तो उस पर तुरंत पुलिस वहाँ सूचना पे पहुँची, और बच्ची को महिला पुलिस के द्वारा जब पूछताछ करवाई गई तो ये संज्ञान में आया कि उसको कोई लालच दे के ट्रॉफी का और रुपये का उसको वहाँ पर ले गया था, और बच्ची ने जिस तरह का हुलिया बताया, जो उसका बताया कि किसी का पाया जाता था, तो पुलिस ने लगातार दर्द दबिश दे के उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची ने उसकी तस्दीक भी कर ली है, तो इस पर मुकदमा लिखवा के उसका मेडिकल के लिए बच्चे को भेज दिया गया है, और आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है और उसको भी मेडिकल के लिए भेजा जाए। और इसी बीच अगली खबर आपको कानपुर से बता दें, जहां पर पारिवारिक विवाद में युवक को चाकू मारी। बड़ी खबर कानपुर से, पारिवारिक विवाद में युवक को मारी चाकू और इलाज के दौरान हुई युवक की मौत। बड़ी खबर कानपुर से, पारिवारिक विवाद में युवक को चाकू मारी, इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है, हत्यारोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन तिवारी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमन, बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद में युवक को चाकू मारी गई है, क्या कुछ वजह रही आखिर इस पूरे चाकू मारने के पीछे? जी
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला रेलवे थाना क्षेत्र के मीरपुर कैंट का है, जहां पारिवारिक विवाद में एक युवक ने गुस्से में आकर पड़ोसी युवक को चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद उसको हैरेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मैं आपको बता दूं, पुलिस के मुताबिक दोनों परिवारों में एक विवाद चल रहा था, शादी की बात चल रही थी। आरोप ये है कि जो हत्या आरोपी है, उसकी बहन की शादी जो मृतक का परिवार उसने देवरन किसी परिवार में करा दी थी, उसी के चलते ये इस दोनों परिवारों में कई महीनों से विवाद चल रहा था, और आज किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और उसके बाद जो है चाकू से हत्या कर दी गई। जी, क्या कुछ कहा है जो युवक के परिवार वालों ने? क्या अभी तक पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले में मामला दर्ज हो गया है? जी बिल्कुल, घटना के बाद सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है, और जो राहुल है हत्यारोपी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस सारी औपचारिकताएं पूरी कर रही है, युवक को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया और आरोपी गिरफ्तारी कर लिए। अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी कि आखिर कैसी क्या वजह रही कि एक युवक को पड़ोसी युवक की हत्या करनी पड़ी। जी, इस पूरे मामले में जैसा कि आपने बताया था कि एक युवक ने अपने पड़ोसी युवक की हत्या की चाकू मारकर, तो क्या जिस युवक की हत्या हुई है उसके परिजनों ने इस पूरे मामले पर कोई सफाई दी है? उनकी तरफ से क्या कुछ कारण बताया गया है? जी बिल्कुल, बड़ा सवाल है, मैं आपको बता दूं, हत्या के बाद आरोपी चूंकि मौके पर ही था, पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। जो मृतक का परिवार है वो पूरी तरह से गंभीर है, हादसे के बाद जो है घर का माहौल जो है वो गर्म हो गया, इसीलिए अभी तक जो पीड़ित परिवार है उससे बातचीत नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा क्या था कि हत्या कर दी गई। उसके बाद जो आरोपी है उसको जरा सा भी गर्म नहीं है, वो मौके पर ही रहा, उसने कहीं फरार होने की कोशिश नहीं की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर का अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर कानपुर से है, पारिवारिक विवाद में युवक को चाकू मारी और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, हत्यारोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से पारिवारिक विवाद में युवक को चाकू मारी, हत्यारोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रेल बाजार थाना क्षेत्र के मीरपुर का पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जालौन में जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की है, और जिसमें जिले के सभी पुलिस उपाधीक्षों और जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि पुलिस व अभियोजन अधिकारी आपसी समन्वय रखते हुए कार्य करें, और जिससे कि न्यायालयों में राजकीय मामलों में सही पैरवी हो सके और साथ ही अपराधियों और दोषियों को जमानत न मिले, जिसके लिए केस डायरी समय पर तैयार करके वांछित रिकॉर्ड मांग के अनुसार भेजें और जिससे अभियुक्त को जमानत लाभ ना मिल सके। आज अभियोजन का बैठक था, जिसमें जितने हमारे अभियोजन के केसेस छूटे हैं और जमानत हुए हैं उनके ऊपर बात हुई है, और किस कारण से जो है उनका, अगर कोई बरी हुआ है तो किस कारण से हुआ है, अगर उसमें कुछ साक्ष्य वगैरह की कमी है तो संबंधित को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि उसको सुधार के जो है, ताकि भविष्य में जो है इस प्रकार के कोई भी जमानत या बरी हो तो वो आसानी से ना हो, इनफैक्ट अगर केसेस उसके प्रॉपरली बने हो तो ना हो पाए। बुंदेलखंड के बांदा में ससुरालियों ने महिला और साथ ही उसके बच्चों को बुरी तरह पिटाई की है और उन्हें घर से निकाल दिया है। पीड़िता के पति ने महिला पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने की भी कोशिश की है, लेकिन महिला अपने बच्चों समेत किसी तरह भागकर कोतवाली पहुंची है और अपनी आपबीती सुनाई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है, तो वहीं इस मामले में सीओ सिटी का कहना है कि पारिवारिक विवाद है, महिला का चिकित्सीय परीक्षण करवाया जा रहा है और जांच के बाद कार्रवाई जरूर की जाएगी। ससुर आदमी मारो हैं, ये मारो हैं, इनका आत रहे कि हम तो शादी कर देवे दूसरी जगह से, और सब दिन कमा डाल जहर कुछ ला रहे हैं कि जहर डाल हम चौरन हैं लड़कन के खाओगे तब घूर फेंक दी हूँ, सब पूरे खाना फेंक दी हूँ, खूब लाठी लाठी मार ली बाप के। ये आज मामला आया है और इसमें पति और पत्नी दोनों द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इसकी सम्यक जांच करवाई जाएगी। प्रार्थना पत्र के आधार पर जांच के लिए थाने पर भेज दिया गया है, उसके अग्रिम कार्रवाई के रूप में मेडिकल इत्यादि कार्रवाई और वीमन पावर लाइन से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उनको अवगत करा दिया गया है, और इसमें तदनुसार अग्रिम विधायक कार्रवाई करवाई।
बांदा में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मर्दनाका मोहल्ले में छापामार कर दो जुआड़ियों को पांच बाइक समेत गिरफ्तार किया है और अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत शहर कोतवाली पुलिस को मर्दनाका मोहल्ले में जुआ खेले जाने की सूचना मिली थी और जिस पर पुलिस ने एक मकान में छापा मारा जहां पांच लोग जुआ खेल रहे थे। पुलिस को देखकर तीन जुआरी भाग गए और पुलिस ने मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही पांच मोटरसाइकिल व मोबाइल भी बरामद किए हैं। लगातार इन सूचनाओं पर हम कार्रवाई करते हैं। कल भी एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक दूरस्थ क्षेत्र में जुआ खेला जा रहा है। सूचना में तत्काल टीम गठित करके पुलिस को रवाना किया गया। वहां से पाया गया कि लगभग पांच लोग वहां पे जुआ खेल रहे थे, उसमें से दो को गिरफ्तार कर लिया गया। पांच बाइकें वहां से बरामद हुई हैं, कुछ मोबाइल बरामद हुए हैं और ताश की गड्डी बरामद हुई है और कुछ रुपये बरामद हुए हैं। तो इस आधार पर ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि किसी भी तरह से ये जुआ और सट्टा इत्यादि कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कानपुर के बिरहाना रोड स्थित होटल में लॉयंस क्लब कानपुर गैजेंस की तरफ से तेजोत्सव का आयोजन किया गया है और इस दौरान महिलाओं ने सावन के गानों पर डांस गाने भी गाए और हाउची गेम्स व अन्य कई गेम्स भी खेले गए। कार्यक्रम में प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया जिसमें तीज क्वीन, राखी थाल सजाओ व सावन गीत पर कई महिलाओं ने प्रतिभाग किया। तीज क्वीन मंजू अग्रवाल ने बताया कि महिलाओं के लिए तीज का महत्व महिलाओं के लिए काफी है और महिलाएं तीज पर तैयार होकर व्रत रखती हैं जो कि एक अलग अनुभूति देता है। कार्यक्रम का संचालन कर रही उमा जैन ने बताया है कि इस बार रक्षाबंधन में हम कैंट की बटालियन जाकर फौजी भाइयों की राखी भी बांधेंगे। टेनिस क्लब कानपुर गेंजेस की ओर से तीज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें हमारी बहनें सज धज के हरी परिधान में आई हैं, फूल पत्तियों से सज के आई हैं और इसके साथ में गीतों का भी यहाँ पे गायन किया गया। खेल कूद करते हैं, झूला झूलते हैं बचपन में, फिर ससुराल में आते तो शौक होता है मेहंदी लगाना, सजना, संवरना, पड़ों सास की सेवा करना, उसको जो त्यौहार होते हैं उसको खूब धूमधाम से बनाते हैं, तो इस दिन का तो बहुत ही स्पेशल इंतज़ार रहता है। इसका प्रोग्राम रखा, सभी बहनों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हम लोग ने हाउजी गेम्स वगैरह क्वेश्चन आंसर पूछे, इनमें सभी ने अच्छे अच्छे जवाब दिए, सभी को गिफ्ट दिए गए और सभी बहुत इंजॉय किए। हम लोग की मीटिंग बहुत अच्छी रही। और फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, देखते रहिए जिम डी न्यूज़। मुस्कान स्माइल करेगी, चिंटू चीकू चंदू भी स्माइल करेंगे, फिर चंदू के चाचा, चाचा की मामी, मामी का ब्रदर, ब्रदर की राखी सिस्टर भी स्माइल करेगी, पूरा भारत स्माइल करेगा भाई, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। बटर से भरा ब्रिटानिया गुड डे अब सिर्फ ₹5 में, तो चलो इंडिया, लेट्स हैव अ गुड डे। क्रांति की, शांति की, गायक की, महानायक की, योग की, योगी की, हर बात आपकी, हर खबर आपकी। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, तो खबर में रहिए। वो कुछ भी करें, आपकी परेशानी का होगा हल। बड़ा से बड़ा अपराध करें, हम उठा
उठाएंगे आपकी आवाज और उन्हें सजा न दी जाए। देखते रहिए पब्लिक फोरम सिर्फ जेएमडी न्यूज पर डॉक्टर रमेश वर्मा के साथ। मुशायरा शनिवार रात्रि 9 बजे और रविवार दोपहर 1 बजे सिर्फ जेएमडी न्यूज पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बुढ़वा मंगल को लेकर भक्त एक बार फिर चिंता में हैं। कारण कल्याणपुर क्रॉसिंग से पनकी मंदिर तक जाने वाली सड़क का हाल बेहाल होना है और शहर में हुई भीषण बारिश से सड़क दम तोड़ चुकी है, जबकि सड़क का निर्माण अभी हाल ही में हुआ है। ऐसे में इलाकाई जनता में भी असंतोष है। हालांकि नगर निगम की माने तो बारिश खत्म होते ही शहर की सड़कों पर काम युद्ध स्तर पर शुरू होगा, लेकिन अगर एक बार फिर दावा खोखला साबित हुआ तो जनता का हाल तो बेहाल ही हो जाएगा। यह व्यवस्था यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब है। पिछली सरकार में कल्याणपुर पनकी जो मार्ग है इसके लिए बजट भी पास हुआ था, वर्तमान सरकार ने आते उस बजट को रोक दिया है। जो कि आप देख सकते हैं मनकी मंदिर से लेकर बाडिया होटल तक सड़क की वो बुरी दशा है कि आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है और लोग चुटाइल होते रहते हैं। हजारों दर्शनार्थी सुबह प्रातः काल की वेला में 5 बजे जब मंदिर खुल के पट खुलते हैं तो भगवान हनुमान जी के दर्शन करने के लिए यहाँ आ जाते। उनके आवागमन के लिए इतनी अव्यवस्था का दौर है कि चारों तरफ से सारी सड़कें इस तरीके से खुदी हुई पड़ी हैं कि किसी भी समय कोई भी व्यक्ति अपने वाहन से गिर सकता है और वो अपनी जान को भी गंवा सकता है। कई बार मैंने प्रशासन को इस विषय में भी इंगित किया कि अभी आगामी बुढ़वा मंगल है, इसमें दसियों लाख की संख्या में चारों तरफ से हर कोने से दर्शनार्थी मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पधारते हैं। मुजफ्फरनगर और देवरिया के महिला संरक्षण गृह में बच्चियों और नाबालिग लड़कियों के साथ हुई बर्बरता और हरदोई में लापता लड़कियों के साथ ही महिलाओं से हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ समाजवादी पार्टी की महिला सभा की सदस्यों ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। वहीं इस दौरान पुलिस बिल्कुल मूक दर्शक बनी खड़ी रही। पुतला फूंक रही सपा महिला सभा की नगर अध्यक्ष दीपा यादव ने बताया है कि जिस तरह से प्रदेश सरकार व केंद्र की सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुकी है, कानून व्यवस्था के नाम पर गुंडई चरम पर है। अभी देवरिया में बच्चियों के साथ हुई बर्बरता के साथ ही कई हरदोई से कई लड़कियां लापता भी हैं, पर योगी व मोदी सरकार सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है और गौरक्षा समेत हिंदू मुस्लिम की बात पर राजनीति कर रही है, लेकिन इन मुद्दों पर बिल्कुल चुप है। इस बात से आक्रोशित सपा महिला सभा की कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने ही इस सरकार का पुतला फूंका है।
कानपुर देहात पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब ट्रक में जा रही अवैध शराब सहित दो अभियुक्तों को पकड़ लिया। पुलिस ने उनके पास से विभिन्न मार्का के 655 पेटी अवैध शराब को बरामद किया है और पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। दरअसल कानपुर पुलिस को हरियाणा से बिहार अवैध शराब लिए जाने की सूचना मिली और जिसके बाद कानपुर नगर और कानपुर देहात पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर वाहनों की जाँच शुरू कर दी है और इसी दौरान कानपुर देहात अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के बारागांव के पास ट्रक संख्या UP77AN3989 की पुलिस ने चेकिंग की और चेकिंग के दौरान पुलिस ने 655 पेटी अंग्रेजी शराब विभिन्न मार्गों के बरामद किए। बरामद शराब की कीमत 50 लाख रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। इटावा जिले के सिविलायंस इलाके में राहतपुरा काशीराम कॉलोनी में महिला और उसकी तीन मासूम बेटियों की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि मास्टरमाइंड आरोपी अभी भी पुलिस की जद से बाहर है, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस भी कई टीमों को सक्रिय कर दिया है और इस सनसनीखेज हत्याकांड की वजह महिला नेहा के साथ अवैध संबंध कायम रखने को लेकर हुई मारपीट से खिन्न होकर पूरी सुनियोजित साजिश रची गई थी और पुलिस ने बताया कि मृतका का पति छोटेलाल के पास कमाई का कोई साधन नहीं था। वो अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए ट्रेन आदि में जेब काटता था। पुलिस पड़ताल में बात सामने आई कि छोटे की शादी नहीं हुई थी, वो मृतका को कहीं से खरीद कर लाया था। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में काशीराम कॉलोनी में उसमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला का शव पड़ा हुआ है उसके कमरे में और तीन बच्चे उसके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऊपर से फेंके गए हैं। उस पर तत्काल उच्च अधिकारी वहाँ सभी पहुंचे, मौका मुआयना किया गया और जैसा कि कल मैंने बताया था इसमें किसी तरह का रेप की पुष्टि नहीं हुई थी, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी उस चीज़ को कंफर्म किया है। उसमें महिला के साथ किसी तरह का रेप या दुष्कर्म की प्रयास या उसके साथ दुष्कर्म नहीं किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो भी वहाँ पे आसपास के लोग थे उनके ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर सूचनाएँ डेवलप की गई। एसपी सोटी के नेतृत्व में सिविल लाइन्स, फ्रेंड्स कॉलोनी, सीओ सोटी, हम सभी लोग बैठ करके उसमें आगे की कार्रवाई की, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण सुराग मिले। इसमें जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इसमें जो मेन कारण था वो था इनके 20 दिन पहले जो झगड़ा हुआ था मृतिका और एक इसमें नाम आया हुआ है अन्ना के बीच में। और अगली खबर आपको कानपुर से बता दें, जहां पर कल्याणपुर थाने में युवक की पिटाई का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर कानपुर से, कल्याणपुर थाने में युवक की पिटाई का पूरा मामला। युवक को हवालात के बाहर पट्टे से पीटने का वीडियो वायरल हुआ। बड़ी खबर कानपुर से, कल्याणपुर थाने में युवक की पिटाई का पूरा मामला। युवक को हवालात के बाहर पट्टे से पीटने का वीडियो वायरल। हवालात में डालने से सिपाहियों से भिड़े थे युवक। और नवशील धाम चौकी के बैरी गांव का पूरा मामला है। बड़ी खबर कानपुर से। इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, पूछना चाहूंगी क्या कुछ पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि हवालात में डालने से सिपाही भिड़े थे युवक से और वीडियो भी वायरल हुआ। जी आपको बता दें ये घटना कल देर रात की है, नौशीलधाम चौकी क्षेत्र की है, जहां दो पक्षों में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ था और कई के सर भी फटे थे। उसके बाद में पुलिस ने पीड़िता ने फोन नंबर डाल करके पुलिस को जब सूचना दी, मौके पर चौकी इंचार्ज शेर सिंह वहां पर पहुंचे और दोनों पक्षों को थाने ले आए। उसके बाद में चौकी प्रभारी ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए एक युवक को हाथ में डाल दिया और कुछ देर बाद उसको हवालात के बाहर निकालकर पटे से बुरी तरीके से पिटाई की। वहीं पर खड़े कुछ लोगों ने उनका मारते हुए वीडियो भी बना लिया, उसके बाद वीडियो भी वायरल कर दिया। इस मामले की जांच सीओ कल्याणपुर को भी दी गई है, सीओ कल्याणपुर इसमें जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी चौकी प्रभारी के ऊपर जिस तरह से वीडियो उनका वायरल हुआ, जिस तरह से पिटाई कर रहे हैं, तो इस तरह कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है।
जी आखिर क्या कुछ वजह रही कार्रवाई अभी तक न करने की, क्योंकि साफ तौर पर वीडियो वायरल हो रहा है, सबूत आंखों के सामने है, फिर किस बात की देरी की जा रही है? कितनी बुरी तरीके से युवक को पीटा जा रहा है, पट्टे से पूरी तरीके से नियमों को ताक पर रखकर हवालात से बाहर निकालकर उसे पीट रहे हैं, तो आखिर क्या कुछ ये संवेदनहीनता जो दिख रही है इस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? आपको बता दें जो मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था, अगर पुलिस चाहती तो दोनों पक्षों को बैठा कर समझौता भी किया जा सकता था, या समझौता न करकर दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी की जा सकती थी। लेकिन जिस तरह से चौकी इंचार्ज की मानवता को ताक पर रखकर, मानवता को ताक पर नुसार करने वाला ये वीडियो जो वायरल हुआ, इससे साफ तौर पर अधिकारियों को इस घटना को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन वीडियो वायरल हुए करीब 24 घंटे बीतने जा रहे हैं और अभी तक किसी भी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित पक्ष, आपको बता दें पीड़ित पक्ष कल सीओ कार्यालय भी गया था से मिलने के लिए, गया था अपने न्याय की गुहार लगाने के लिए गया था कि साहब एक पक्ष की कार्रवाई चौकी प्रभारी कर रहे हैं, पैसा इसमें एक पक्ष ने पैसा दिया है, पैसा देकर एक पक्ष की कार्रवाई कर रहे हैं और मेरी किसी प्रकार की कोई भी शिकायत अभी तक दर्ज नहीं की है और वीडियो भी उनको दिखाई, लेकिन वीडियो सबूत सामने होने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस कार्रवाई न करने पर पुलिस विभाग में एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि पुलिस आखिरकार जब सबूत सामने तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? देखना ये है कि पुलिस इस पर चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई करती है कि नहीं करती। आपको बता दें चौकी इंचार्ज पर इस तरह के पहले भी आरोप लगते रहे हैं, विवादों के घेरे में चौकी इंचार्ज कई बार रह चुके हैं, लेकिन कोई भी अभी तक अधिकारी ने, कप्तान ने किसी प्रकार की कोई भी इस पर चौकी इंचार्ज पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए। बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से युवक को हवालात से बाहर निकालकर पट्टे से बुरी तरह पीटा जा रहा है। एक पक्ष कार्रवाई करने पर पुलिस पर आरोप लगा है कि दूसरे पक्ष का कहीं दबाव देखने को मिल रहा है इस पूरे मामले में, क्योंकि पुलिस पूरे मामले को समझे बिना ही एक युवक को हवालात से बाहर निकालकर पट्टे से बुरी तरह पीट रही है, जिसके बाद उसकी कार्यशैली पर लगातार सवाल उठना लाजमी हो गया है। बड़ी खबर कानपुर से, कल्याणपुर थाने में युवक की पिटाई का ये पूरा मामला है। और फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए जेएमटी न्यूज, आमजन की आवाज। नमस्कार। आप देख रहे हैं